वो डाला उनका खड़ा होता है पूरी गाड़ी, डाला साइड पे खड़ा है वो, मतलब ये नहीं बिल्कुल सामने खड़े हैं, जरा हटके खड़े होते हैं कि अब जब कोई कार्रवाई हो तो जाके हम उनको रोके। अच्छा। अगर के नशेई अगर उनके ऊपर हमला कर दे जो बेचने वाले हैं कि उसको पकड़ के शायद उसकी नियत से भी आगे का कोई नशा है, तो है कि लड़के करते हैं और सारी सारी रात बैठे रहते हैं एक जगह के ऊपर और सोचते रहते हैं और आंखें खुली होती हैं उनकी, सोते नहीं। और हम अभी तो हमारे ये पीछे एक और इलाका है वहाँ पे कार्रवाई भी हुई है, वो भी यही नशा करने वाले थे, कहीं से उन्होंने बंदूकें वगैरह भी ली, कोई लड़की का मामला था तो गए हैं वहाँ पे। एक तो चर्च का कर रहा था, लेकिन अभी वो दो भाई हैं जो अभी ये आइस का कर रहे हैं, और वो ऐसा नशा है कि उनके दिमाग जैसे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस मुल्क में जहाँ और बहुत से मसाइल हैं, वहाँ नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला जिसके तरफ हमने कुछ अरसा पहले तक ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, वो अब गली गली कूचे कूचे वो मसला पहुँच चुका है। हमने तो गली गली कूचे कूचे दिए जलाने थे, चिराग जलाने थे, दीप जलाने थे, गली गली कूचा कूचा हमने मौत बांट दी है, गली गली कूचा कूचा हमने अंधेरे कर दिए हैं, गली गली कूचा कूचा दुखों के राग अलापे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मसले की कि जो आज नौजवानों को पूरी तरह जकड़ चुका है, चाहे वो लाहौर हो, पेशावर हो, केपी हो या मुल्क के दूसरे शहर हो, मुख्तलिफ किस्म के नशे सरेआम गली कूचों में बेचे जा रहे हैं और हमारे बहुत ही खूबसूरत और फूल जैसे नौजवान इनका शिकार हो रहे हैं। ना सिर्फ ये कि नौजवान लड़के इसका शिकार हो रहे हैं, बहुत सारी हमारी बच्चियां और बहनें भी इस लत में पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ख़ानदान तबाह हो चुके हैं और नौबत कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े, चोरी डाके तक पहुँच चुकी है। हमारे साथ एक भाई हमारे बैठे हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, इनसे इनकी स्टोरी सुनते हैं और इनसे पूछते हैं किस तरह इन्होंने फर्स्ट हैंड ये देखा कि नशा घरों को तबाह करता है और नशे की वजह से कैसे तकलीफ़ें और परेशानियां लोगों के ऊपर साया किए रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है वैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आप शुरू करें। जी हमारी तो ये है कि हम जिस इलाके के अंदर रह रहे हैं ना, वहाँ हम बचपन में जाते थे स्कूल के अंदर ना पढ़ने के लिए, और जहाँ पे स्कूल था रास्ते के अंदर हम देखते थे कि सरेआम ये नशा बेचा जा रहा था, चर्स वगैरह, उस वक्त ये चर्स ही चल रही थी और ये भी एक बड़ा अयूब था और वो सरेआम बिक रहा था, उसके ऊपर कोई रोकदाम या कोई ऐसा, मैं अपने इलाके का नाम भी लेना चाहूँगा ताकि उसके ऊपर अगर हमारी गवर्नमेंट या किसी के कान में ये बात पड़े कि उस इलाके के अंदर कार्रवाई, क्योंकि पता उनको सब है, वहाँ के अदारों को भी पता है, पुलिस वालों को भी पता है, सबको पता है, लेकिन कार्रवाई वो नहीं होती। अगर कार्रवाई हो तो कार्रवाई अपना असर दिखाती है, कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे, लोगों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं करती हैं, लेकिन वो जो पुलिस वाले भी आते हैं वो हमारी आँखों के सामने वो अपने पैसे बटोरने के लिए आते हैं। अच्छा। वो उन्हीं नशेइयों से आके जो नशा करने वाले हैं उनसे आके पैसे लेते हैं या उनसे नशा ले लेते हैं, जाके खुद फिर वो बेच लेते हैं या खुद वो करते हैं, ऐसे भी हमने देखे हैं, पुलिस वाले खुद कर रहे होते हैं नशा। अच्छा। तो मैंने तो अपने बचपन से देख रहे, हम स्कूल जाते थे, स्कूल के अंदर वो सरेआम उन्होंने हाथों के अंदर वो पकड़े होते थे, चर्स के काले कलर की वो पट्टियाँ सी बना के ना उन्होंने हाथों के अंदर पकड़ी होती थी। एक दो मतलब घर के अंदर जिक्र किया तो उन्होंने कहा बेटा आपने लोगों की तरफ तवज्जो ना दो, आप अपना करें बस, कि कोई कार्रवाई ना, बड़ों ने हमारे बड़ों ने कोई कई सोचा इसके ऊपर कि ये हमारी औलाद, हमारे ख़ानदान तबाह हो गए, हर कई घर ऐसे हैं जो इसकी वजह से पूरे का पूरा घर डिस्टर्ब है, और लेकिन
पता नहीं कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं। आपके वहाँ पे मतलब पहले तो ये चर्च वगैरह थी, ये टीके वगैरह लगाए जाते थे बदामी बाग के अंदर, अभी भी हैं टीके वगैरह भी लगाने वाले हैं ये स्टोरों के ऊपर। बदामी बाग लाहौर की बात, लाहौर की बात, यानी मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल साए जी बिल्कुल। ये लारी अड्डा, लारी अड्डे के बैक साइड पे सारा बदामी बाग है, तो शहर के अंदर है हम, कोई कोई देहात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है शहर के अंदर। आप इलाका गैर की बात नहीं, हाँ इलाका गैर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कानून है, कानून के वो अभी एक नशा आ गया आइस का, तो आजकल आइस का चल, आइस का चल रहा है। मेरे दो भाई नशा कर रहे हैं, और ये आइस पहले वो एक तो चर्स का कर रहा था, लेकिन अभी वो दो भाई हैं जो अभी ये आइस का कर रहे हैं, और वो ऐसा नशा है कि उनके दिमाग जैसे उनके अपने रे ही नहीं, जैसे कोई दूसरी कोई चीज़ उनको कंट्रोल करती है, ऐसे उनके दिमाग हो जाते हैं ये नशा करके। पहले हम सुनते थे पाउडर वगैरह के बारे में ना, कि वो बड़ा गंदा नशा है, लोग घरों के बर्तन बेच देते हैं, बीवियों को मारते हैं, पैसे कमा के लाओ, ये करो। हमने इस तरह की फैमिलियाँ बहुत सी देखी हुई अपने इलाके के अंदर, कि बीवी को मार के भेजते थे कि मुझे कमा के ला के दो ताकि मैं पाउडर पीऊँ। ये बहुत गंदा नशा समझा जाता था, ये शायद उसकी नवीयत से भी आगे का कोई नशा है ये जो है, कि लड़के करते हैं और सारी सारी रात बैठे रहते हैं एक जगह के ऊपर और सोचते रहते हैं, और आंखें खुली होती हैं उनकी, सोते नहीं हैं। और हम अभी तो हमारे ये पीछे एक और इलाका है, वहाँ पर कार्रवाई भी हुई है, वो भी यही नशा करने वाले थे, कहीं से उन्होंने बंदूकें वगैरह भी ली, कोई लड़की का मामला था, तो गए हैं वहाँ पे जाके उन्होंने पूरी फैमिली को मारा है, औरतों को जख्मी किया, गोलियां मारी हैं पाँव के पिंडलियों के अंदर, और मर्दों को तो जान से मार दिया, ये नशा करने वाले थे। और कई हमने सुने हैं इसी तरह वाकयात के, लोग आपस में ये नशा करने वाले जो है ना बहुत ज़्यादा तो नहीं, वो जो वहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले पहले उस पर आते हैं कानून पे, पुलिस पे, कि वो क्यों नहीं उसको करें, लेकिन इससे पहले ये बताएं कि वो फैल कैसे रहा है वहाँ पे, और मसलन आपकी फैमिली है या आपके भाई हैं वो कैसे मुब्तला हो गए, अगर कोई मतलब घर में जाहिर है कि पूरे एक फैमिली सिस्टम होता है, इतनी आसानी से तो नहीं कोई गंदी महफिल में जाता, ये क्यों नौजवान उसका शिकार हो रहे हैं? ये बेसिकली मुझे जो लगता है ना, एक तो होता है कि आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन हमारा वो माहौल नहीं रहा, हम उन लोगों के अंदर बैठे नहीं हैं या उनके अंदर रहे नहीं हैं जो इस माहौल वाले हैं। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने हमें बचाए रखा, लेकिन हर इंसान एक ही तबीयत का नहीं होता, हर इंसान के अलग अलग अपनी अपनी तबीयत है, कोई किस तरह के माहौल को पसंद करता है, कोई किस तरह के माहौल को पसंद करता है। तो जो हमारे भाई है ना, वो उसने बाइक के लिए मुझसे ज़िद की थी, पहले तो माशाल्लाह वो ठीक था, काम वगैरह भी कर रहा था सारा कुछ हमारा, लेकिन वो बाइक के लिए ज़िद की, बाइक मैंने उसको ले दी, फिर वो बाइक वाले लड़कों के साथ दूसरे भी बाइक वाले लड़कों के साथ कंपनी उसको मिल गई। तो क्या उसे आप वो जो इलाका है, घर है जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं वहीं पे इस तरह का माहौल है, या कोई डेरा शेरा बना हुआ है, कोई खास गढ़ बना हुआ है उनका, या आबादी मोहल्लों तक ये बात पहुँच? ये गली मोहल्लों के अंदर है, हर तकरीबन हमें तो लगता है जैसे हर गली के अंदर, हर हमारे तो उधर आम चीज़ है ये, उसको समझ ही नहीं जा रहा इस चीज़ को। पहले जब ये शुरू किया था ना मेरे भाई ने, तो मैंने उसके ऊपर सख्ती वगैरह की कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने लोगों के जहनों के अंदर ये बात डाल दी गई है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, मैंने अपनी सिस्टर से, बड़ी सिस्टर है, उनसे बात की कि ये हो रहा है, ये नशा अभी इसने शुरू किया हुआ है, तो उन्होंने जैसे मुझसे बात की ना, ये तो बड़े बड़े अमीर लोग भी कर रहे हैं, ये कोई नशा नहीं है, ये एक फैशन है, फैशन के तौर पे लोग इसको कर रहे हैं। पहले यानी उसको बिल्कुल सॉफ्ट करके लोग उसके उसका मतलब उसको नशा भी नहीं समझा जा रहा था, मुझे तो ये नजर आया कि उसको नशा भी नहीं, मैं महसूस किया, तो मैंने जबरदस्ती भी की, वो मुझसे, मेरा भाई मुझसे ही बदजन हो रहा है ना अभी, हम आपस में उसकी वजह से बोल चाल में, तो वो अभी इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से। तो फिर मैंने जब बहन से भी बात की, तो उन्होंने भी इस तरह की बात कर दी, तो मैंने फिर पीछे हट गया कि ठीक है अगर कोई ऐसी बात है, लेकिन अभी जो सुन रहे हैं इसके बारे के अंदर के लोग, आप अपनी फैमिली का बताएं कि मसलन जैसे आपका भाई है,
तो क्या शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं उसके, तो उनका ख्याल रखता है वो? मतलब ऐसा तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि यहाँ तक बात पहुँची है कि ये नशे ने अपनी जो छोटी छोटी औलाद है, फूल जैसे बच्चे हैं, उनसे उनके माँ बाप ही छीन ले हों? ऐसा ही है, एक मेरा भाई है जो शादीशुदा है और एक भाई है जो गैर शादीशुदा, वो सबसे छोटा है वो भी, और ये जो मुझसे छोटा है ना वो वाला भाई, जो मुझसे छोटा है उसकी शादी हो चुकी है, तीन बच्चे हैं उसके माशाल्लाह से, तीनों लड़के हैं, बच्चे छोटे हैं, और वो काम नहीं अभी करता, करके और भी हमारे मसाइल वगैरह हैं, वो असल बेस जड़ जो बनी हुई है ना, वो ये नशे की वजह से बनी हुई है। तो बच्चों का ख्याल, बच्चे खाते कहाँ से, उनका ख्याल कैसे रखते हैं, क्या बच्चे है? अभी वो चले गए हुए हैं, बेगम उसकी चली गई हुई, अपने बच्चे चली गई है, छोड़ के चली गई हुई, क्योंकि वो काम ही नहीं जब करता तो वो क्या करेगी, वो भी उसके वालदैन उसको संभाल रहे हैं और बच्चों को भी संभाल रहे हैं काफी अरसे से, 7-8 माह हो गए हुए हैं वो वहाँ पे हैं, वो भी कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं कि काम करे, हम भी कहते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो बच्चे वो दिमाग उसका ऐसा हो चुका है कि तो वो तो जब वहाँ उसके साथ रहते होंगे तो वो तो फिर कभी दूध नहीं, कभी खाना नहीं, तो रोते होंगे, यही बोलता है, यही बोलता है, बिल्कुल इसी तरह ही है, जब थी वो तंगी के अंदर ही जिंदगी गुजार रही थी, अच्छा। बाद में ये घर टूटने के भी सबब बनते हैं। आप बता रहे थे कि वो छोटे बच्चे रोते थे, बिल्कुल रात के वक्त रोते भी थे, क्योंकि वालदा पहले चली गई इसकी, बच्चों को इसने नहीं जाने दिया, बच्चों को इसने रख लिया अपने पास, तो बहरहाल ये अंदरूनी मैटर मैं चाहता हूँ कि ना ही हो, बहरहाल माहौल यहाँ तक हो गया कि हमारी, हम आज़ाद मुल्क के अंदर अपने पाकिस्तान के अंदर रहकर हम अपनी जवान औलाद का, अपने बच्चों का कोई सेफ्टी हमें, हमारे पास नहीं, नज़र ही नहीं आ रही, कई बार दफ़ा दिल उबलता है अंदर से ना बंदे का, जज्बात उबरते हैं, बार दफ़ा मेरे दिल में आई कि यार अगर कोई नहीं करता ना तो हम अपने तौर के ऊपर फिर अब आप ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं करता, तो आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है पुलिस, हमारे तो पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनी हुई है, वो रेंजर्स की तरह की फोर्स है, ठीक ठाक उनके पास इक्विपमेंट, असला और इस तरह की, वो रेड करके वो गिरफ्तार भी करते हैं, सजाएँ भी देते हैं, और लाखों रुपये की तनख्वाहें जा रही हैं, यहाँ उनका हेडक्वार्टर बन रहा है रावलपिंडी में, और वो अरबों रुपए का तो हेडक्वार्टर ही बन रहा है सिर्फ, और हुकूमत तो इन्वेस्टमेंट कर रही है, पूरी एफर्ट कर रही है, एक फोर्स बनाई हुई है, पुलिस अलग उसको मुखबरी भी करती है, सारा कुछ रोकने की कोशिश करती है, फिर ये कैसे फैल रहा है? ये तो अभी इन्हीं को सोचना चाहिए, जो बना रहे हैं, जो इतने अदारे बना रहे हैं, तो फिर ये कैसे आ रहा है पाकिस्तान? ये तो आप बताएं ना, आप तो फील्ड में है ना, आप बताएं कि इतने इदारे होने के बावजूद आप क्या देख रहे हैं कि वो कैसे फैलता है, क्यों क्यों नहीं खत्म हो रहा, नौजवानों तक कैसे पहुंच रहा है, वो मैंने क्यों नहीं जा रहे? मैंने अपनी तरफ से भी ना कई मरतबा, हम जिन नौजवान बैठते हैं और भी लोग जो अपने इस गम को लेकर बाज दफा इकट्ठे बैठ जाते हैं कि यार हाँ हमारे घर में भी इस तरह मसला है, वो दूसरा भी आ गया, या हमारे तो बंदे के जज्बात उभरते हैं इसके ऊपर ना, तो फिर बाज दफा हमारी ये प्लानिंग हुई कि हम ऐसा करते हैं कि पहले ये बताएं कि पुलिस क्या कर रही है, वो इसी तरफ आ रहा हूँ कि पुलिस की तरफ जाते हैं, अच्छा, और पुलिस को जाकर इसकी खबर करते हैं और वो कार्रवाई करें, हम उनको उनके ठिकानों की निशानदेही करेंगे जहाँ पे ये बेचे जा रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें समझाया गया कि ऐसा ना करें, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा किया हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो जिस कुछ लोगों ने किया, हाँ कुछ लोगों ने किया, फिर उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप इस तरह करेंगे आप खुद फंस जाएंगे, अच्छा, वो पुलिस वाले आपको ही फंसा देंगे, वो पुलिस वाले भी उनके साथ मिले होते हैं, उनसे पैसे वगैरह ले रहे होते हैं, वैसे तो नहीं वो बेच रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा कौन बेच के जा रहे हैं, तो आप पुलिस वालों को पता है सारा, पुलिस को देखा है इन्वॉल्व? पुलिस को अक्सर हमने देखा है कि कई मरतबा मिस्री शाह के इलाके के अंदर के पुलिस की गाड़ी खड़ी है, अच्छा, वो बजाय उनको रोकने के जो बेच रहे हैं सामने उनके बेच रहे हैं खुले आम, कोई छुपा नहीं रहे कुछ, और चर्स जो ये जो खरीदने वाले हैं जो चर्सी पीते हैं या नशा करते हैं ना, वो गिरते पड़ते लाइन के अंदर, उनकी लाइन सीधी करवाई जा रही है, वो सीधे होकर खड़े हुए आगे, इस तरह उनकी बोली ऐसे उनसे बात हो रही है जैसे ये इंसान नहीं है, वो उनकी हालत भी ऐसी हो गई है कि जानवरों से भी जैसे बत्तर पड़े होते हैं रोडों के ऊपर पड़े होते हैं उधर, तो रात भी वहीं पे बैठे हुए हैं और बैठे ही हुए हैं वहीं पे सारी रात उन्होंने बैठे बैठे गुजार देनी है, हालत कपड़े की, तो पुलिस वाले पास खड़े हैं और ये सब हो रहा है, पुलिस वाले होते हैं वो तो मुझे लगता है उनकी सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं कि ये जो नशा करने वाले हैं उनके ऊपर हमला ना कर देंगे,
छीन ना ले इनसे कहीं। अच्छा, सामने खड़े और सब। हाँ, वो डाला उनका खड़ा होता है, पूरी गाड़ी डाला साइड पे खड़ा है वो, मतलब ये नहीं बिल्कुल सामने खड़े हैं, जरा हटके खड़े होते हैं कि अब जब कोई कार्रवाई हो तो जाके हम उनको रोकें। अच्छा। अगर के नशेई अगर उनके ऊपर हमला कर दे जो बेचने वाले हैं, कि उसको पकड़ के उससे छीन ना ले। उनके पास भी वैसे गन होती है अपनी सेफ्टी के लिए, गन वगैरह अच्छा। भी होती है उनके पास, लेकिन फिर भी एक को मार लेगा, दो को मार लेगा, बाकी तो पकड़ गए, क्योंकि वो नशे से इतने हो गए होते हैं कि उनको अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। जो नशे के अंदर लगा हुआ ना उसको अपनी जिंदगी, वो अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस भी खड़ी की हुई है। तो आपने देखा पुलिस ने उनको कभी सेफ्टी प्रोवाइड की हो प्रॉपर? नहीं, कोई इस तरह का मैंने वाकया नहीं देखा कि उसने उन्होंने हमला किया है, लेकिन ये समझ आ रही होती है कि ये रोक क्यों नहीं रहे इनको। तो फिर वो मुझे लड़कों ने बताया, उन्होंने शायद देखा होगा, उन्होंने ये बात की थी कि वो इसलिए नहीं खड़े हैं कि रोक, वो इसलिए खड़े हैं कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड करें, तो फिर वो आ जाते हैं छुड़ाने के लिए कि जाओ जाओ भागो यहाँ से पुलिस वाले। हमारी बात हुई थी ना कि वो पुलिस वाले, यानी कि वो अगर उनसे कुछ छीन रहे हैं। हाँ। ये एक लड़की ने मुझे ये इस तरह का एक वाक्य बताया था कि उनकी कोई वो नशेई था, उसकी उसके साथ कोई मुंह मारी हुई ना, तो वो दूसरे भी उसके साथ खड़े होके उसको कहने लग गए, तो उसने उसको धक्का दिया, वो गिरा नीचे पीछे गिरा, वो जो बेच रहा था वो। हाँ, नहीं वो नहीं गिरा, नशेई गिरा, और दूसरे जो नशेई उसके आगे आके जरा उसके होने लग गए, साथ ही पुलिस वाले आए हैं, ये दोनों जो लड़के बेचने वाले थे वे बाइक के ऊपर बैठे हैं, ये निकल गए हैं, वो आके उनको उन्होंने उनको पकड़ लिया जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा। ये जो नशा करने वाले हैं, ये बदतमीजी उनकी थोड़ी बात बढ़ गई किसी बात के ऊपर, तो पुलिस वाले आके अभी उनको पकड़ लिया, वो दोनों बाइक के ऊपर निकल गए, जो बेच रहे थे वो निकल गए, जो जड़ है उसको नहीं पकड़ रहे, जड़ ये भी नहीं है, जड़ इसके पीछे है कहीं पे, तो ये तो आगे की शाहिद भी हुई है। फील्ड में पुलिस ये कर रही है कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड, नजर ये आ रहा है कि वो पुलिस खुद इनकी सपोर्ट जैसे कर रही हो, कि उनको पकड़ने की बजाय ये इन जो करने वाले हैं ना, एक तो वो अपने घर डेड किए हुए उन्होंने, दूसरा ये पुलिस वाले इनके पीछे, उसकी वजह से पूरे पूरे फैमिलियां बर्बाद हो रही है, और लोग जिन्होंने की है ये कोशिश वो दूसरों को फिर मना कर देते हैं कि आप ऐसा ना करें, हमने किया था, वो बजाय उनको पकड़ने के ना वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, पुलिस भी आपके खिलाफ होगी, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो आप फंस जाएंगे बीच में, आप क्या करोगे फिर, किसको जाके बताओगे? तो लोगों के अंदर तो जैसे इतमाद ही, हमारी तो ये हालत है कि हम पुलिस वालों से डरते हैं, कुछ वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम उनसे डरते हैं कि ये कहीं रोक ना ले, और ये क्योंकि ये रोकेगा तो ये 50-60-70-100 रुपया लेके जान छोड़ेगा, तो ये हमें लूटना ले कहीं, तो हम इधर से नहीं इधर से चले जाते हैं, शरीफ बंदा भी इस तरह करता, हम उनसे डर रहे होते हैं, हमारी तो ये इस तरह की कंडीशन है कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं हमें उनसे खौफ आ रहा होता है कि हम कहीं इसके अंदर, तो हालत तो यहाँ तक है, लेकिन कार्रवाई के अगर इतबार से देखा जाए तो हमें कोई कार्रवाई नजर नहीं आती इसके ऊपर, क्योंकि नजर हम तब फर्स्ट हैंड देख चुके हैं, आपकी अपनी जो फर्स्ट हैंड आपके भाई और आपका जो घर है वो इसकी वजह से उजड़ चुके हैं, हम बचपन से देख रहे हैं, और आस पास उस इलाके में आप बता रहे हैं कि बिल्कुल घर उजड़ चुके हैं। ये हमारे दूसरे भाई बैठे हुए हैं, अभी आप मेरी आपकी बात हुई है तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये हमारे इलाके में इसी तरह हो रहा है, और हालांकि ये केपी से हैं, तो कहाँ तक बात पहुँच चुकी है, और जहाँ तक ये नशे का मैटर है ना या जराइम का मैटर है, बजाते ख़ुद तो जिस कदर इसकी मजम्मत की जाए कम है, और जिस कदर इस पर एहतजाज किया जाए कम है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बर्ड्स आई व्यू ज़रूर देना चाहूँगा, यानी कि पूरी कौम के लिए और हुक्मरानों के लिए जो सोचने का मुकाम है, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, और जो हुक्मरान होता है ना उसके ज़ेरे असर फसलें पौधे जानवर चरिंद परिंद हर चीज़ उसकी रियाया में आती है, और उस हुक्मरान से उसके बारे में सवाल किया जाए।